नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी पुलिस ने रविवार को बुलंदशहर, औरैया और फिरोजाबाद में अलग अलग 3 बड़े अपराधियों से हुई सीधी मुठभेड़ में एक बदमाश को मार दिया है और 2 अन्य को अरेस्ट कर लिया है। यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से अपराधियों में दहशत मची हुई है, वहीं आम लोगों ने राहत की सांस ली है। ये 3 बदमाश कई जिलों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। इन पर हत्या, लूट, डकैती, वसूली, अन्य दर्जनों संगीन मामले पहले से ही दर्ज थे। पुलिस ने बताया है कि इन बदमाशों ने घेराबंदी देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इनकी ताबड़तोड़ फायरिंग का पुलिस ने जब जवाब दिया तो बुलंदशहर में 1.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश राजेश की मौत हो गई। वहीं औरैया में 25,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री सीटर सरविंदर यादव घायल हुआ, जबकि यादवेंदर उर्फ मोना के पैर में गोली लगी है। बुलंदशहर पुलिस पर गोलियां बरसा रहा 1.5 लाख का इनामी बदमाश राजेश एनकाउंटर में ढेर हो गया। उस पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजेश की फायरिंग से एक सिपाही को भी गोली लगी है। इस घायल सिपाही का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक बदमाश आहार थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। 25,000 के इनामी हिस्ट्री सीटर सरविंदर यादव की औरैया पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस हिस्ट्री सीटर ने पुलिस पर कई राउंड फायर किए और जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हिस्ट्री सीटर सरविंदर यादव को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सरविंदर कुमार यादव पर दिल्ली, गुजरात, MP, UP समेत कई राज्यों में सैकड़ों से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। एक साथ 3 बड़े क्रिमिनलों का एनकाउंटर कर दिया है, जहां एक की मौत हो गई है और 2 अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, जिसके चलते अपराधियों में दहशत मची हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।